और पता नहीं कितने लोग मुझे यहाँ पर देखेंगे एंड जज करेंगे, बट मुझे उनसे क्या ही फर्क पड़ता है। और मैं क्या कह रही थी मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू न्यू टू माय चैनल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू न्यू टू माय चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्रेगनेंसी जर्नी जो कि अभी चल रही है। सो आप लोग मेरी फैमिली है और आप लोगों से क्या ही छुपाना। सो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप में से बहुत सारे, जब मैंने एक रील पोस्ट की थी तो बहुत सारे लोग बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए। सो अभी मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को। सो इसीलिए आज मैं बहुत मूड बनाकर आप लोगों के से बातें करने के लिए आई। माय गॉड, मैं बिल्कुल मतलब थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। आई नो, मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि लोगों को ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, बट है ना, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। बट कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कैसा कितना क्या मैं आपको बता पाती हूँ। सो फिलहाल में तो मेरी जर्नी अभी चली रही है, तो उसी से मतलब जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके मन में हो तो आप मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड जो भी था, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए थे उन्हीं का आंसर करने वाली हूँ मैं। तो बहुत टाइम से ना मेरा कोई भी वीडियो बनाने का मूड तो नहीं था, बट मैंने सोचा आप लोगों के लिए बनाना चाहिए। और आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे डेली वीडियोस पे, सो मैं हमेशा बोलती हूँ बट मैं नहीं कर पाती हूँ गाइस, आई डोंट नो व्हाई। बट अभी मैंने सोचा है कि मैं करूँगी, क्योंकि हमेशा ना मैंने अपने यूट्यूब में यही देखा है कि मैंने ना बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स जो थे उन्हें कैप्चर नहीं किया एंड आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। फिर टाइम निकल जाने के बाद ना मैं मतलब मैं बहुत पछताई हूँ उन सब चीज़ों को लेकर। शायद मुझे जिस टाइम पे जो चल रहा होता है ना उसे ही शेयर कर देना चाहिए। तो बहुत टाइम के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरा चैनल मुझे कंटिन्यू रखना ही है, क्योंकि मुझे अपने चैनल से बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस एंड मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अपने यूट्यूब में। और इस प्लेटफॉर्म में अगर मुझे सक्सेस नहीं मिलती तो शायद मैं इसे कब का छोड़ चुकी होती, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे लिए है और मैं भी इस पर वर्क करना चाहती हूँ। सो इसीलिए मैं इसे कहीं नहीं जाने देना चाहती हूँ। सो या गाइस, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। तो आज मैं आपको मतलब ये बिग अपडेट भी होने वाला है एंड रिवील भी कर रही हूँ फाइनली आई एम प्रेगनेंट। या मतलब अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ या फिर व्लॉग्स वगैरह, व्लॉग्स तो हम हमारे क्यूट से बेबी के साथ ही शूट करूँगी, ये मैंने सोच रखा है। सो वो तो आपको बाद में ही देखने के लिए मिलेंगे, बट अभी जो भी क्वेरीज हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड एंड जो भी अभी चल रहा है उसके बारे में मैं आपको अपडेट देना चाहती हूँ। सो सिंपली उसी पर वीडियो होने वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड अगर आप जानना चाहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में तो उनकी एक इंडिविजुअल अलग से वीडियो मैं शूट करूँगी, तो उसी में आपको मतलब सारी चीज़ें मिल जाएगी प्रॉपर। मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी ऑडियंस इस चीज़ को वॉच करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, बट हाँ, ये भी एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। सो इसीलिए मैं इसे कैप्चर करना चाहती हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यही चाहूँगी कि हर किसी की लाइफ में ये चीज़ हो, तो आप लोग भी ज़रूर कैप्चर करके रखें। एंड मैंने बोला इस मुझे यूट्यूब पर ही रहना है। यूट्यूब को मतलब मुझे यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, तो इस चीज़ को क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद फिर ये टाइम फिर से नहीं आएगा। जो मैं अभी फील कर रही हूँ शायद ये फीलिंग मेरी बाद में ना हो, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइस, पता नहीं इतनी देर में मैंने क्या क्या आप लोगों से कहा है। सो जैसा कि आप लोग जानना चाहते हो कि प्रेगनेंसी जर्नी में क्या क्या होता है, ये मतलब ये जर्नी ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ, बहुत ही कुछ अलग ही है। मतलब जब आप अगर मदर बनेंगे तो
आपको पता चलेगा, अगर आप प्रेग्नेंट होंगी, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी होगी, तो आपको पता चलेगा कि ये टाइम कैसा होता है कैसा नहीं एक लड़की के लिए, तो उसके बारे में भी फिर कभी हम बात करेंगे। अगर सो गाइस, सिंपली मैं आज आपको यही बताने वाली थी। मैंने शॉर्ट्स में आपको अपलोड कर दिया था, बट लॉन्ग वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की थी, सो इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे कि मेरा टाइम निकलता गया, अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो ये जो कंटेंट आज मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा अलग है हर बारी के मेरे कंटेंट से, तो मुझे नहीं पता है बिल्कुल कैसा क्या रिस्पांस आने वाला है, बट मैं अपनी फैमिली की ब्लेसिंग्स ही चाहती हूँ इस टाइम पर। सो प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग ज़रूर दें। एंड टॉकिंग अबाउट माई प्रेगनेंसी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, तो मैं क्या ही बताऊँ, ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड सो इस टाइम में एक लड़की जब मदर बनने वाली होती है, बहुत सारी सिचुएशंस मतलब उसके आगे आती है, बहुत सारी चीज़ें वो फेस करती है, एंड बहुत ही अलग ही फीलिंग होती है, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, बट तो बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। कभी भी आपको कुछ चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, कुछ चीज़ बहुत ख़राब लगेगी, कभी भी आप इमोशनल हो जाओगे, कभी भी आपको रोना आ सकता है, एंड कभी भी आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो सकती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और मुझे लगता है इस जर्नी में अगर मैं अपने यूट्यूब पर इनएक्टिव हूँ, तो हो सकता है मे बी रीज़न कि प्रेगनेंसी की वजह से ही कभी मेरा मन करता है और कभी नहीं करता है। बट अभी बहुत दिनों से ना मेरा मन था कि आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो शूट करूँ, सो या फाइनली आई एम हियर। मैं शूट करने बैठ गई हूँ एंड मेरे दिमाग में अभी कुछ भी नहीं चल रहा है कि मैं क्या शूट करूँ और क्या नहीं। सो चलिए थोड़ी सी बात आपसे कर ही लेती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मतलब जर्नीज़ देखी, प्रेगनेंसी जर्नी। अभी ना मेरा टाइम ऐसा निकलता है कि मैं फ़ोन में कुछ अपने बेबी के लिए देखती हूँ, कुछ अपने लिए देखती हूँ, कुछ सभी लोगों का एक्सपीरियंस चाहती हूँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ़ोन में ही मैं सारी चीज़ें देखती हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अपनी जर्नी शेयर करते हैं, डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। मतलब उन सभी में मतलब मुझे अभी तक यही लगा है कि ऐसा होता है, बट मेरी प्रेगनेंसी, कुछ लोगों की जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, कुछ लोगों की जर्नी बहुत ज़्यादा टफ होती है, एंड मेरी जर्नी इतनी ज़्यादा स्मूथ तो नहीं कह सकती हूँ मैं, एंड इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकती, बट हाँ स्मूथ तो बिल्कुल नहीं कह सकती, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती है। जैसे कि मतलब मैं ना अपनी जर्नी में मुझे ना कुछ खाने का मन नहीं होता है, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड फील करती हूँ, एंड कभी भी इमोशनल हो जाती हूँ, बिना किसी बात के इमोशनल हो जाती हूँ। सब लोग मेरे घर पर मेरी बहुत ज़्यादा केयर टेक करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं मेरा, एंड मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं इमोशनल हो जाती हूँ। सो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में होती है, इट्स नॉर्मल साइन। सबकी प्रेगनेंसी सेम नहीं होती है। आप अगर किसी से पूछोगे यार ये चीज़ मुझे नहीं होती, ये चीज़ मुझे नहीं होती, ये चीज़ आपको होती थी, सो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है गाइस। सभी की बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। तो स्टार्टिंग में मैं भी सारी चीज़ें को बिलीव करती थी, हर किसी से बहुत सारे क्वेश्चंस करती थी, बहुत सारी चीज़ें पूछती थी, बहुत सारी चीज़ें सर्च करती थी, बट अभी कुछ समय के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद मुझे अपने आंसर्स अपने आप ही मिल चुके हैं कि कुछ भी चीज़ सेम नहीं होती है किसी भी प्रेगनेंसी में, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। आप अगर सोचोगे भी ना कि आप एक्टिव रह लो, कुछ लोग एक्टिव होते हैं और कुछ लोग नहीं होते, अगर आप सोचोगे भी तो भी नहीं रह पाते। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए रेस्ट ज़रूर करें, किसी की बातों में ना आए। किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको कोई कहता है कि आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, नहीं, इस टाइम पे आपको जो ठीक लगे, जो सही लगे वही करो। देखो मेरा टाइम भी बहुत मतलब मैं तो फुल रेस्ट करती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रेस्ट करना भी,
एंड आप इतना ज़्यादा टायर्ड फील करते हो कि आप एक्टिव रह ही नहीं सकते, ये चीज़ मेरे साथ है, तो इसीलिए मैं तो प्रॉपर रेस्ट कर लेती हूँ एंड वो करना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसा रहा, स्मूथ तो नहीं है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, थोड़े से तो उतार चढ़ाव सभी की जर्नी में आते ही हैं। एंड इसके अलावा अगर और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, दोनों ही जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद अगर आपकी और भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, ये था एक अपडेट वीडियो, और मतलब सिंपली कह सकते हैं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी रिवील करने के लिए मैंने अभी तो कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, सो इसे आप समझ सकते हैं। सो या गाइस, अगर आपको पसंद आया हो एंड आप चाहते हैं आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर चैनल पे इस टाइप के कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।